मनोज मनोज राजीव यादव, राजीव जी किस बात को लेकर आप लोग नाराज हैं सरकार से, क्या बात है? हमारा स्थायी निकाय कर्मचारियों का 15 सूत्री मांग पत्र काफी लंबे समय से शासन में लंबे चला आ रहा है। इसके लिए कई बार शासन में वार्ताएं हुई, धरना प्रदर्शन हुए, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी एक भी मांग की पूर्ति नहीं। 15 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगें कौन सी हैं? 15 सूत्री मांगों में हमारी प्रमुख मांग है पूरे प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग के ठेका प्रताप कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को मात्र 5100 रुपया दिया जा रहा है, जबकि मार्केट में भी आज 9-10 हज़ार रुपया का भुगतान किया जा रहा है। इनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। इसी नगर पालिका में एक तरफ 57 कर्मचारियों 7500 रुपया दिया जा रहा, वहीं इन कर्मचारियों को 5100 रुपया भुगतान किया जा रहा। अगर आपकी मांगे नहीं बनेगी तो अगला कदम क्या रहेगा? आप अगर हमारी मांगे नहीं मानती है सरकार, तो 14 नवंबर को हम लोग लक्ष्मण झूला पार्क पर एक विशाल धरना का आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में स्थानीय निकाय कर्मचारियों शामिल होंगे, और फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे।